एक आवाज तीन घराने और तीनों घरानों की शुद्ध प्रामाणिक गायकी। किसी एक कलाकार के बारे में ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में एक कलाकार ऐसे भी हैं जिन्हें ख्याल गायकी के तीन प्रमुख घरानों ग्वालियर, जयपुर अतरौली और आगरा की गायकी पर समान अधिकार प्राप्त है। ये गायक हैं पंडित उल्हास कशालकर। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश और आज मैं आपको सुनाऊंगा पंडित उल्हास कशालकर की कहानी। पंडित उल्हास कशालकर का जन्म 14 जनवरी 1955 को नागपुर में हुआ। नागपुर से हैदराबाद के बीच में एक छोटा सा कस्बा है पंढर कोढ़ा। उल्हास कशालकर वहीं अपने पिता नागेश दत्तात्रेय कशालकर के साथ रहते थे। पिता पेशे से वकील थे, लेकिन संगीत का बहुत शौक था। ग्वालियर घराने के मटंगी बुआ से गाना भी सीख चुके थे। पिता ने ही उल्हास कशालकर का बचपन में ही सुरों से परिचय कराया। घर में बचपन से ही तानपुरा और हारमोनियम के स्वर गूंजा करते थे। उल्हास के बड़े भाई भी गाते थे और घर में गंधर्व महाविद्यालय का सेंटर था। उल्हास कशालकर बचपन से ही मुंबई, पुणे और बड़ौदा में होने वाले म्यूजिक कॉम्पिटिशन में शरीक होते थे और इनाम जीतते थे। उन्होंने पंडर कोढ़ा से ही संगीत में बीए किया और उसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। नागपुर यूनिवर्सिटी में ग्वालियर घराने के दिग्गज गायक विनायक राव पटवर्धन के शिष्य अनंत केशव थे, जो ख्याल और ठुमरी गाते थे। एक गुरु प्रभाकर राव भी थे। उल्हास कशालकर ने इन दोनों ही गुरुओं से तालीम ली और इन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का संकल्प लिया। एमए में टॉप करने के बाद गुरु की तलाश में उल्हास कशालकर पहले पंडित गजानन राव जोशी के पास गए। जोशी जी बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और वो गाना और वायलिन बजाना दोनों छोड़ चुके थे। वो सिखाने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर उल्हास कशालकर पंडित राम मराठे के पास गए, जो ग्वालियर और आगरा जैसे कई घरानों का गाना जानते थे। पंडित राम मराठे ने जगन्नाथ बुआ पुरोहित से 15 साल तक आगरा घराने की गायकी सीखी थी। वो मराठी रंगमंच में अभिनय और निर्देशन भी करते थे। पंडित राम मराठे से उल्हास कशालकर ने करीब 1.5 साल तक तालीम ली। उसके बाद वो दोबारा गजानन बुआ के पास गए। गजानन बुआ उन्हें 15 मिनट तक संगीत सिखाने को तैयार हो गए। इसके बाद करीब 6 महीने तक सिर्फ राग यमन का रियाज होता रहा। पंडित उल्हास कशालकर बताते हैं कि गजानन बुआ से सीखते वक्त उन्हें पता चला कि गाना क्या होता है, घरानेदार गायकी क्या होती है, एक एक मात्रा को कैसे बरतते हैं, कैसे राग का विस्तार करते हैं, इस तरह से कि वो अपनी बात भी कह दें और सुनने वाले को आनंद भी आ जाए। गजानन बुआ से उल्हास कशालकर जी ने आगरा और जयपुर अतरौली इन दो घरानों की गायकी सीखी। उल्हास कशालकर कम गाए जाने वाले रागों को भी शुद्ध शास्त्रीय रूप में अवतरित करने के लिए जाने जाते हैं। एक इंटरव्यू में उल्हास कशालकर बताते हैं, मैं जब ग्वालियर के राग गाता हूँ तो ग्वालियर की शैली में, लेकिन जयपुर के राग जिस तरह से मिले उन्हें जयपुर की शैली में उसी तरह से प्रस्तुत करता हूँ, जैसे सावनी, रईसा कान्हड़ा, खट या खोकर। आगरा के मेघ, बरवा, गारा कान्हड़ा वगैरह उन्हें आगरा के ढंग से ही, फिर ग्वालियर की नज़र से नहीं देखता हूँ। मेरे दोनों ही गुरु गजानन बुआ और राम मराठे विलायत हुसैन खां के शागिर्द थे। उल्हास कशालकर के दोनों गुरु राम भाऊ और गजानन बुआ पुरानी शैली के गायक थे। यही बात उल्हास की गायकी में भी दिखाई देती है। पंडित उल्हास कशालकर ने जयपुर, आगरा और ग्वालियर तीनों घरानों की गायकी को आत्मसात किया है। बड़ी बात यह है कि कई बार वो एक ही परफॉर्मेंस में इन तीनों घरानों की शैलियों की खूबसूरती बड़ी सहजता से दिखाते हैं। हालांकि अपनी गायकी का आधार वो ग्वालियर घराने को ही मानते हैं। पंडित उल्हास कशालकर उतने बुजुर्ग नहीं हुए हैं, लेकिन उनका दुर्लभ रागों और बंदिशों का चयन, सुरों का लगाव और गायकी की शैली सुनने वालों को पुराने जमाने में ले जाती है। कठिन से कठिन राग को वो इतनी सहजता से गाते हैं कि सुनने वालों तक सिर्फ राग की मिठास ही पहुंचती है। अपने गुरुओं से मिली तालीम में उल्हास जी अपनी उपज को बड़ी खूबसूरती से मिक्स करते हैं। उल्हास कशालकर काफी समय तक पुणे के रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहे। 1993 में वो कोलकाता की मशहूर ITC संगीत रिसर्च अकेडमी में गुरु हो गए। संगीत रिसर्च अकेडमी में गुरु के तौर पर उन्हें बहुत सम्मान मिला है। उन्होंने अनगिनत होनहार शिष्य तैयार किए हैं। पंडित उल्हास कशालकर एक सिद्ध संगीतज्ञ हैं। उनकी गिनती देश के व्यस्ततम शास्त्रीय गायकों में होती है। उनके समारोह सुनने के लिए जबरदस्त भीड़ होती है। भारत सरकार की तरफ से उन्हें संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री जैसे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई बड़े पुरस्कार मिले हैं।
हमारी दुआ है कि पंडित उल्हास कशालकर की संगीत साधना यूं ही चलती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे साथ ट्विटर और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं।